आपने पेन का तो यूज बहुत बार किया होगा, पर आपको क्या पता है कि पेन को कैसे बनाया जाता है? पेन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, आइए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले शुरुआत होती है पेन की बॉडी को बनाने से। पेन की बॉडी को बनाने के लिए पीपीसी का यूज किया जाता है। ये वजन में हल्का प्लास्टिक ग्रेनुल्स होता है। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके बारीक करके एक बड़े से हॉपर में डाल दिया जाता है। और साथ ही जिस कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है उस कलर का प्लास्टिक परिमाण इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पर इन वैक्यूम ट्यूब की मदद से एक पीपीसी ग्रैनुल्स को एक गर्म भट्टी में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि ये पिघल कर एक मोल्डिंग मशीन में चले जाते हैं। और कुछ इस तरह से पेन की आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है मोल्डिंग मशीन के द्वारा। और बिल्कुल इसी प्रोसेस से पेन की कैप और रिफिल को भी तैयार किया जाता है। अब इन सब प्रोसेस के बाद पेन का आउटर बॉडी तैयार हो जाता है। अब फिर इन सब के बाद पेन का इनर पार्ट बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले पेन की इंक को तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स और उसके साथ वार्निश जो कि शहद जैसा दिखता है, और उसके बाद कोबाल्ट गो जो कि एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जिस भी कलर का इंक चाहिए होता है उस कलर के पिगमेंट को डाल के मिक्स कर देते हैं। और कुछ इसी तरह से पेन की इंक तैयार होती है। अब इसके बाद बारी आती है पेन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। ये एक ऐसा पार्ट है जो पूरे पेज में घूम के उसमें इंक को डालता है, जो कि है पेन का बॉल। इस स्टील के बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के पतले वायरों को पिघलाया जाता है, और इस पतली वायर को पिघलाने का काम बॉल हैंगिंग मशीन करती है, जो कि इन स्टील को पिघलाकर बॉल का शेप दे देती है। ये सब करने के बाद इन बॉल को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कि चमकदार हो जाते हैं। अब इन सब के बाद निब को बनाया जाएगा, जहाँ पर कि ये सब बॉल फिट होंगे। इन सब को बनाने के लिए खोखली मेटल ट्यूब को कट करके पॉलिश कर दिया जाता है, और उसके बाद उन मेटल ट्यूब को कुछ इस तरह से कोन का शेप दे दिया जाता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि निब में जो होल है उसका डायमीटर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। और फिर तैयार मेटल बॉल को इन मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि ये बॉल निब में जाके ऑटोमेटिक फिक्स हो जाते हैं। अब लगभग सब कुछ हो चुका है, अब लास्ट स्टेप में आता है फिनिशिंग। अब इन सब पार्ट को असेंबल कर दिया जाता है। सबसे पहले इन मशीन की मदद से रिफिल में इंक को डाला जाता है, जो कि बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट में डाला जाता है। और फिर जब रिफिल में इंक डल जाता है, और उसके फिर एक एक रिफिल में इन मशीन की मदद से निब को डाला जाता है, और फिर कुछ इस तरह हमारी पेन तैयार हो जाती है।